आज मैं आपको अपनी दुकान में पंच के लिए और पंचर के लिए कौन कौन से पंच इस्तेमाल करता हूँ मैं आज दिखाऊंगा। रख दो भैया, मेरे पास कुछ पंचर बनाने का अंदर से जुगाड़ है और पंच लगाने का जो मेरे पास रेडियल पंच और स्टिकर है मैं आज दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये बड़े साइज में ये 45 नंबर का रेडियल पंच है, इससे भी बड़ा आता है लेकिन हमारे यहाँ ये इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा। और ये 40 नंबर का है, ये 35 नंबर का है, ये 14 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये ओमनी का जेनवन पंच है। ये तीन प्रकार के मेरे पास, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। ये नॉर्मल पंच है 2 नंबर और 1 नंबर का। ये ओमनी की सीट है, जो पंचर पे डिपेंड करता है उसी हिसाब से हम काट करके लगाते हैं। और ये तो तीन साइज है, जो ये 45, 40 और 35 और ये 5 नंबर। इसको तो हम केवल पंच के ही इस्तेमाल में लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये गाटर की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे चीटी नहीं मारता, इसी को लगाना चाहिए। बाकी हम ये 14 नंबर को, 10 नंबर को, 4 नंबर को, 3 नंबर को और ये नॉर्मल 2 नंबर और 1 नंबर को इस्तेमाल कर लेते हैं 2+ पंचर बनाने के लिए। बस में, ट्रक में तो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं 4 नंबर के, 3 नंबर को और 14 नंबर को और 10 नंबर को। और ओमनी की सीट, इससे बेटर है ये ओमनी की सीट। अगर आपको कभी पंचर लगाना हो तो, अगर ये ना हो तो इसको लगा सकते हो, अगर ये है तो इसी को लगाओ, कुशन लगा दो अंदर से और इस ओमनी की सीट को काट दो पंचर के साइड के हिसाब से काट के लगा दो। अगर बारीक पंचर है तो, बड़े पंचर हैं तो इन सीटों, इन रेडियल पंचों को और ये पंचों को लगाना ज़रूरी होता है बस और ट्रक में। कार में तो आपको ये ओमनी की सीट ही काट के लगानी चाहिए, कुशन लगा के ओमनी की सीट लगा दो या ये लगा दो, ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें लचकपन ज़्यादा होता है। ये देखिए, इसमें इतना लचक होता है कि जितना भी मोड़ दो। और ये हार्ड होता है, ये देखिए, ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। जब नीचे टायर के पत्थर उत्थर पड़ता है तो टायर ऊपर नीचे उठता है, जिससे ये लीक हो सकता है। इसमें लचक होता है, इसमें लचक होती है इतनी कि ये लीक नहीं होता, और बस ट्रक में इतनी लचक नहीं होती, तो ये रेडियल पंच उसमें काम करता है सही। और ये ओमनी का पंच है और ये और इनको रखने के लिए आपको ठंडी जगह पे ही रखना चाहिए, नहीं तो इसके जो चिपकाने की शक्ति है, जो इसके गम होते हैं, जो इसका सुलेशन होता है ना, वो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसको कभी भी कहीं भी रखना तो उसको ठंडी जगह पर रखना है, जिससे कि इसका जो चिपकाने की शक्ति है वो ख़राब ना हो। बाकी अगर ये मेरी पंच वाली वीडियो अगर आपको अगर सही लगी हो, मेरे पास यही इतने प्रकार के ये इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इतने प्रकार के स्टिकर इस्तेमाल हो जाते हैं। और आपको मैं ये वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।